गुड मॉर्निंग क्लास टू, आज हम पढ़ेंगे पिताजी को पत्र। पाठ 10, पिताजी को पत्र। सर ललित को पत्र लिखना नहीं आता था, इसलिए वह उदास था। उसका सहपाठी मयूर उसके पास आया। उसने सर ललित से उसकी उदासी का कारण पूछा। सर ललित ने बता दिया। मयूर ने कहा, इसमें उदास होने की क्या बात है, लाओ कागज और पेन, मैं अभी पत्र लिखना सिखा देता हूँ। सललिल कागज और पेन उठा लाया। बच्चों, सललिल को पत्र लिखना नहीं आता था, वह छात्रावास में रहा करता था, इसीलिए वह अपने पिताजी को पत्र लिखना चाहता था, पर वह पत्र लिखना नहीं जानता था। वह उदास बैठा हुआ था और उसे उदास देखकर मयूर ने पूछा कि क्यों उदास बैठा है, तो उसने अपना सारा हाल मयूर को बता दिया कि उसे पत्र लिखना है पर उसे पत्र लिखना नहीं आता है। मयूर बोला, कागज के ऊपर बीच में ओम लिखो। उसने लिख दिया। फिर वह बोला, दाहिने कोने पर ऊपर की ओर अपने विद्यालय और छात्रावास का नाम लिखो, उसके नीचे शहर का नाम, शहर के नाम के नीचे तिथि लिख दो। सललिल ने सब लिख दिया। मयूर बोला, आप बाई ओर कुछ नीचे लिखो, पूज्य पिताजी। फिर उस पंक्ति के नीचे लिखो, सदर चरण स्पर्श। मयूर कागज के ऊपर ओम लिखने के लिए बोला और फिर उसने ओम लिख दिया। फिर दाहिने कोने पर ऊपर की ओर अपना विद्यालय का नाम और छात्रावास का नाम लिखने के लिए कहा। फिर नीचे शहर का नाम और ठीक शहर का नाम और तिथि लिखने के लिए कहा और उसके ठीक नीचे पंक्ति में उन्होंने अपने पिताजी के आदर में पूज्य पिताजी सदा प्रणाम लिखने के लिए कहा। इसके बाद मयूर ने कहा कि अब अपनी कुशलता का समाचार लिख दो, जो जो मंगवाना चाहते हो वह लिख दो। जब सब लिख लो तो नीचे एक पंक्ति में दाहिनी ओर लिखना आपका आज्ञाकारी पुत्र और उसके नीचे अपना नाम लिख देना। बस लिखा गया पत्र। तो बच्चों, इसके बाद मयूर ने कहा कि अपनी कुशलता के बारे में बताना है कि वह ठीक है या बीमार है। फिर उसके नीचे लिखना है कि उसे क्या चाहिए, क्या क्या मंगवाना है, उसके पास में क्या चीज़ों की घटी हो गई है। फिर उसके नीचे लिखना है, जब सब लिखना पूरा हो जाएगा तब उसे लिखना है आपका आज्ञाकारी पुत्र, और बस यह पत्र हो गया पूरा। सललिल ने पूछा, क्या इतना लिखकर छोड़ देने से पत्र चला जाएगा। मयूर बोला, नहीं, इस पर पता भी लिखना होगा। पते में लिफाफे पर पहले उसका नाम लिखो, फिर मकान नंबर, मोहल्ले का नाम और शहर का नाम। अब तुम समझ गए हो ना कि अपने से बड़ों को पत्र किस तरह लिखा जाता है। सललिल ने दूसरे कागज पर पत्र इस प्रकार साफ साफ लिखा। तो बच्चों, सललिल ने पूछा कि बस यह लिखकर छोड़ दे कि यह पत्र पूरा हो गया है। मयूर बोला, नहीं, इस पर पता लिखना है, मोहल्ले का नाम लिखना है और मकान का नंबर लिखना है और शहर का नाम लिखना है, अर्थात लिफाफे पर नाम लिखना है, शहर का नाम लिखना है, मकान नंबर लिखना है और पता लिखना है, मोहल्ले का नाम लिखना है। और या जो पत्र लिखा है सललिल ने, उसे मयूर ने दूसरे कागज पर साफ साफ उतारने के लिए कहा।
पूज्य पिताजी, सदर चरण स्पर्श आपका कृपा पात्र मिला। मैं यहाँ पर सकुशल हूँ। आशा करता हूँ आप सब भी कुशलता से होंगे। पिताजी, मैं प्रतिदिन प्रातः जल्दी उठता हूँ, दांत साफ करता हूँ, स्नान करता हूँ तथा साफ कपड़े पहनता हूँ। मेरे नखून भी कटे छटे रहते हैं। मैं खूब मन लगाकर पढ़ता हूँ। आप जब आए तब मेरे लिए कहानियों की पुस्तकें लेते आएंगे। आपके पत्र की प्रतीक्षा में आपका आज्ञाकारी पुत्र सललील। बच्चों, सललील ने वाल पुराना लिखा हुआ पत्र को साफ साफ दूसरे कागज पर उतारता है और इस प्रकार वह पत्र लिखता है कि पिताजी, सदर चरण स्पर्श। चरण स्पर्श का अर्थ है प्रणाम। आपका पैर छूकर मैं प्रणाम करता हूँ। आपका कृपा से मैं यहाँ पे सही सलामत हूँ और मैं आप लोगों को भी यही आशा करता हूँ कि आप लोग भी सही सलामत हैं। वह अपने बारे में अपने पिताजी को बताता है कि वह रोज़ दिन सुबह जल्दी उठता है, नहाता है और साफ कपड़े पहनता है वह, और वह अपना नखून भी काट कर रखता है और वह खूब मन लगाकर पढ़ता है। उसे जब पिताजी मिलने के लिए आए तो वह कहानियों के किताबें लेते आए और इस तरह से सललील ने अपने पिताजी को पत्र भेजा और उन्होंने अंत में यह लिखा कि मैं आपके पत्र का प्रतीक्षा करूंगा, आपका आज्ञाकारी पुत्र सललील। फिर उस सललील के पिताजी का नाम था श्री सत्येंद्र शर्मा, 51/2 धनंजय मार्ग, कुरुक्षेत्र। तो सललील कहाँ का रहने वाला था? कुरुक्षेत्र का। इसीलिए उन्होंने वहाँ का पता दिया क्योंकि सललील के पिताजी कुरुक्षेत्र में रहते थे। तो बच्चों, आप लोग जान गए हैं कि किस तरह से हमें अपने से बड़ों को पत्र लिखना चाहिए। आप इस पाठ को पुनः पढ़िए, अभ्यास कीजिए और आप भी अपने से बड़ों को पत्र भेजने के लिए कोशिश कीजिए। थैंक यू।